देखिए क्या हाल है यहाँ पर। इस तरह के मकान पड़े हुए हैं, कोई भाई नहीं रहता, और मकानों में भी कोई योजनाओं का लाभ नहीं हो रहा है। देखिए अंदर कितना बुरा हाल है, कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। देखिए कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। अच्छा कितने बच्चे हैं इनके? उसके दो तो बच्चे हैं जी, और दोनों आप हैं। बेचारे बड़े परेशान है, जब कुछ रहे नहीं इसके धोरे तो करे क्या, मजदूरी तक भी नहीं है उसके पास, कोई मदद नहीं हुई कुछ भी। आज तक भी नहीं हुई। और जो आते हैं वो भी 20,000 मांगते, कहाँ से देंगे? 20,000 तो खंगाल रहते हैं उसमें रहते। अब 20,000 में तो अपना बना के तैयार कर लेते, अपना पैसे मांगते हैं, रिश्वत के पैसे मांगते हैं हम लोग। ये इतने परेशान है, कोई जमीन कुछ कोई जमीन नहीं, मजदूरी के अलावा कोई आसरा नहीं इसके पास। देखिए ये इनका कहना है कि ये परेशानी में, ऐसे हालात में घर भी बिल्कुल टूट गए, पता नहीं कब गिर जाए, क्या हाल है इनका पता नहीं। तो ये लोग भी छोड़ कर चले गए, बच गई एक लड़की दबने से बची, जब दीवार गिरी थी बरसात में। अच्छा ये दीवार गिर गई थी तो बच्ची मरने से बच गई यहाँ पर। देखिए दीवार गिर गई और क्या हाल है यहाँ पर। ये ग्राउंड रिपोर्ट है, इसमें रह रही है वो। सर्दी के मौसम में इसमें रहना उचित है क्या बताइए? सर्दी के मौसम में रिजाय भी नहीं बच्चे का, तो इसीलिए छोड़ कर चले गए यहाँ। क्या करेगा बताइए? अब कहाँ रह रहे हैं लोग? अब तो अपने परिवार किसी रिश्तेदारी के पास जा रहा मदद के लिए, अपने रिश्तेदारी में गए हैं मदद के लिए। और कितना बुरा हाल है बताइए। ऐसी खबरें कोई चैनल नहीं दिखाएगा, कोई टीवी चैनल, कोई मिनिस्ट्री मीडिया नहीं दिखाएगा। ये बहुजन हलचल चैनल है जो ऐसी खबरें, जमीन से जुड़ी हुई खबरें दिखाने का कार्य कर रहा है। तो देखिए क्या बुरा हाल है, इधर देखिए ये तो बेकार हुए पड़े हैं। क्या करें, इधर 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 दिखाओ, जरा इधर दिखाओ, देखना क्या बुरा हाल हो रहा हुआ है। आपका घर है ये? कहाँ रहते हो यहाँ पर? अच्छा यहाँ पर तुम्हारे पशु बनते हैं ये? और इस तो यहाँ पर आपके पति क्या करते हैं? ये पति मजदूर है। अच्छा आप मजदूरी करते हैं। अच्छा आपकी वाइफ है ये देखिए, इनकी पत्नी है ये। और हाँ जी मजदूर आदमी है, बस ये पालन पोषण ही करते हैं जी इनका परिवार का, और क्या करना जी। कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया, 10 साल हो गए राजेंद्र अग्रवाल जी को सांसद बने हुए, आज तक आगे नहीं देखे। वोट के समय पे आते हैं, खाली वोट मांगने आते हैं बस बस। आज तक कोई आके नूनीगत में कोई परेशान नहीं है, कोई विपता है, हारी बीमारी, कोई किसी चीज की मदद नहीं आज तक भी जी। वोट के टाइम पे वोट आपने इनको दी थी? नहीं हमने नहीं दिया, जब भी तो इस चीज का बदला लेते हैं। वो तुमने वोट नहीं, वो कहते हैं तुमने वोट नहीं दी, तुमने बहुजन समाज को वोट दिया, उनसे मदद मांगो के जाकर, ये कहते हैं, ये कहते हैं, उनका कहना ही है। देखिए ये हाल है, वोट पर भी मनमानी चलाते हैं, दबाव डालते हैं कि वोट नहीं दी तो कोई कार्य नहीं होगा, बदहाली में जी रहा है बहुजन समाज। वो कहते हैं कि अगर हमें वोट नहीं तो हम आर्थिक मदद नहीं करेंगे आपकी कुछ भी। एक नल में कीड़े आ रहे हैं, उसमें नल को कितनी बार कह चुके हैं, कोई परिवार उस नल का पानी पीने के योग्य नहीं है। नल में कीड़े हैं, नल में कीड़ा भी योग्य, फिल्टर करवा के देख लीजिए। पीने के लिए भी इतना बदहाल है, फिल्टर करवा के देख लीजिए, अभी फिल्टर करवा के देख लीजिए, अगर कीड़े ना निकले। कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि हाँ भाई इसमें दिक्कत है। ये गोद लिया हुआ गांव है भगवानपुर चट्टावन, जो मेरठ चट्टावन पचगांव पट्टी अमर सिंह है जी, पचगांव पट्टी अमर सिंह है ये, तो उसी गोद लिए गांव में आता है ना। हाँ बाहर में आता है जी, जी, जी। बाहर ही में आता है लेकिन गोद लिया हुआ गांव है। राजेंद्र अग्रवाल जो 10 साल से सांसद है, और उनकी अब ये लास्ट टाइम चल रहा है, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। तो अभी देखिए कितनी बुरी जिंदगी से जी रहे हैं। कहीं बहुजन समाज की जमीन कब्जाई जाती है तो कहीं उनके जो मकान है, टूटे फूटे मकान, उनका कोई सुधार नहीं होता। ये देखिए बीजेपी सरकार का हाल ये है। देखिए ये हमने आपको करीबन 10वां 15वां मकान ऐसा दिखाया है जिसका बदहाल है, बरसात में ही खराब हुए हैं। देखिए ये देखिए बरसात में इनके बेड, जो शादी में बेड मिलते हैं वो बेड भी खराब हो चुके हैं। देखिए बेड की पिलाई है ये, बहुत मुश्किल से खून पसीने की कमाई से ये बेड बनाया जाता है। और ये बेड कभी देखिए क्या हाल हो गया बारिश में। ये सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार स्पेशली एक ही समाज पर, सवर्ण समाज पर ध्यान देती है। हमने देखा गांव के अंदर सवर्ण समाज के लोगों का विकास, वहां पर हर चीज़ की फैसिलिटी, लेकिन बहुजन समाज में कोई भी ज़मीन पर सुधार देखने को नहीं मिला। अब यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना शोषण हो रहा है बहुजनों का इस सरकार में। और वोट मांगने आ जाते हैं, वोट के टाइम पर आते हैं सर बस यहाँ पर, यही कहते हैं। और जो उनकी सरकार जैसा बनी हुई है बीजेपी की सरकार, मेंबर भी वो उसी के हैं, बीजेपी के ही पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं वो। आज तक कोई विकास किया हो, सड़क खड़ंजा कोई नाली में ईंट लगाई हो, देख सकते हो नाली में कितना कितना पानी रुका हुआ है, कीड़े पैदा हो रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं बच्चे,
बुजुर्ग भी बड़े भी आगे सर्दी आ रही है, अपने बच्चों को पालेगा या इन मकानों को बनाएगा वो बताइए। सही कह रहे हो आप। बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा तो स्कूल में फीस नहीं लेगा क्या मास्टर जी? उसको फीस भरेगा या अपने बच्चों को पालेगा? बच्चों की क्या हालत है? बच्चों की क्या इसलाह होते हैं गरीब बच्चे? देखना बच्चे किस हालत में जी रहे हैं बच्चे। उनके बच्चे भी ऐसे रहते हैं सर बताइए। ये मजदूर आदमी है ये, देखिए इनकी हालत कैसी हो गई। उनके बच्चे भी इस तरह की हालत के रहते तो हम अपने बच्चे को और भी कंगाल कर देंगे। बताइए लेडीज बेचारी जंगलों में रहते हैं पूरे पूरे दिन, हम मजदूरी करके लाते सांझ को 100-200-500 जो भी मिलते हैं। अखिलेश यादव की सरकार और बहन मायावती की सरकार में भी यही हाल देखने को मिला। नहीं उसमें हमारी पेंशन बनी थी सर जी, उसमें हमारी पेंशन बनी थी वो भी कटवा दीजिए ना। उसमें राहत थी, राहत थी हमें, बहुत राहत थी, बहुत मिली थी राहत, बहुत राहत। एक तो कम होती है, बहुत राहत मिली थी। पता नहीं इस बहुजन समाज से क्या दुश्मनी है इन लोगों की कि इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है। पेंसिल बंधीवाई थी वो भी कटवा दी, मुझे 2 साल तो काम करेगा हो गए, मुझे हाथ नहीं लगा। अब मैं बीमार रहता हूँ, 24 घंटे का बीमार हूँ। उनने प्रधान ने भी पेंसिल कटवा दी। ये बहुजन समाज के लोगों के प्रति ऐसी मानसिकता है बीजेपी सरकार की कि ये लोग इतने परेशान है। देखना इनके अंदर सारे पेट फटे, देखो कितने पेट फटे, क्या इनका हाल है, दवाई कितना खून पसीने की मेहनत करते हैं। सबसे ताबड़तोड़ मेहनत बहुजन समाज के लोग करते हैं, फिर भी परेशान, सबसे ज्यादा बदहाल ये बहुजन समाज। पेंसिल मिले थी वो भी खत्म करवा देने का, खत्म करो इन्हें, कुछ नहीं पेंसिल मिलने की। जबकि मुझे 2 साल हो गया आज खाट पकड़े हुए, खाट पर लेटा रहा हूँ, बस ना कुछ करता ना धरता, क्या करूँ, कहाँ से लाऊंगा खाने के बाल को। ये हाल है बीजेपी सरकार का।